नमस्ते। जैसे आप लोग को मालूम ही है कि जो कोरोना है वो कितनी बड़ी आपदा हमारे देश के लिए आई है, पूरे समूचे विश्व के लिए आई हुई है। आप सभी जानते हैं कि इनके लिए मतलब हमारे प्रधानमंत्री दो बार अपना संदेश दे चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं दो से तीन बार उन्होंने भी अपना संदेश दिया हुआ है। ये छोटी मोटी आपदा नहीं है, ये बहुत बड़ी आपदा है जो हमारे ऊपर मंडरा रही है। तो इसमें जो छोटी छोटी सावधानियां हैं वो ही बस ध्यान देना है आपको। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि अभी तक इसका कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। तो सरकार बस इतना चाहती है कि आप घरों में रहें और सुरक्षित रहें, और बाहर के लोग जैसे आ रहे हैं तो उनको ये संदेश दें कि वो अपना जाके सबसे पहले एक चेकअप ही करा लें, क्योंकि जैसे वो घर में आ रहे हैं तो ये तो एक चैनल है जो एक दूसरे से पकड़ कर आगे आगे जा रही है। चैनल जो है वो आगे बढ़ते जाएगा, वो कटेगा नहीं। इसलिए इस चैनल को रोकने के लिए हमारे जो सरकार है उन्होंने जो नियम बनाया है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। अगर सैनिटाइज़र उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में आप साबुन या डेटॉल से अपना हाथ धो सकते हैं। बाहर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से आने के बाद अपने हाथ पैर को धो लीजिए, हाथों को धोइए, उसके बाद किसी भी सामान को आप हाथ लगाइए। देश के लिए कितनी बड़ी आपदा आई है इसको आप समझिए। सरकार बार बार इस प्रकार से आपके पास संदेश दे रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि जैसे हम जब भी मुसीबत आती है तो हमारा देश एकता और सहिष्णुता के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि जब भी विपदा आई है, जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए जिस प्रकार आप लोगों ने आंदोलन चलाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चलाया था, उसी प्रकार अब कोरोना भारत छोड़ो विश्व छोड़ो का आंदोलन आप लोग को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये कोरोना जाएगा नहीं तो आप सुरक्षित कैसे हो सकते हैं। तो आप इससे सबसे पहले तो उस कोरोना को बाहर निकालने के लिए आप लोग कमर कस लीजिए और छोटी छोटी सावधानियों पर ध्यान दीजिए। बाहर बिल्कुल ना जाएँ, घरों में रहें, और बाकी अपने परिवार को अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो सरकार की जो बातें हैं उसको आप कृपया ध्यानपूर्वक समझें। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।